गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वंस अगेन। अब DLED फोर्थ सेमेस्टर, और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी जैव विकास के प्रमाण को आपको वहां पे बताया, इसी क्रम में इस लेक्चर में भी जो अवशेष भाग बचे रह गए हैं जैव विकास के प्रमाण के रूप में, वो हम आपको बताएंगे। जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जैव विकास के प्रमाण के अंतर्गत अगला जो पॉइंट आता है इसके क्रम में, वो जैव रासायनिक प्रमाण है। क्या है अगला? छठ प्रमाण हमने पिछले वीडियो में बताए थे, ये सातवें से शुरू करते हैं, जैव रासायनिक प्रमाण। बहुत ही महत्वपूर्ण। और तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जीव द्रव्य की संरचना। पहला, जीव द्रव्य की संरचना। अब इसमें समझते हैं कि अब एक कोशिका को लेते हैं। अब ये आप जानते हैं कि जो जितने भी जीवधारी हैं, जो जंतु और वनस्पतियां होती हैं, वो सब के सब कोशिका से बने हैं। ये एक समानता हुई कि कोशिका से इनका निर्माण हुआ है। और वो जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसमें उसका कोशिका द्रव्य होता है। तो इस जो कोशिका द्रव्य होती है, इसके अंतर्गत कार्बनिक व अकार्बनिक जो है पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? जैसे आपका जो है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ड्रेट वसा है, प्रोटीन है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कार्बनिक के रूप में, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, ये सारी जो चीज़ें आदि चीज़ें हैं वो अकार्बनिक के रूप में वो जो कोशिका द्रव्य होती है उसके अंतर्गत पाया जाता है। अब आप ये भी जानते हैं कि जो कार्बनिक जो चीज़ें हैं वो उसी फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन से मिलके बनी होती हैं। तो ये चाहे जितने भी प्रकार के जंतु हैं उसमें, या फिर वनस्पतियां जो जितनी होती हैं उसमें, वो सभी में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीव द्रव्य की जो संरचना है वो जैव विकास के प्रमाण के रूप में अलग अलग वनस्पतियाँ अलग अलग जंतुओं के रूप में दिखाई पड़ती हैं। तो ये माना जाता है कि जो प्रारंभिक काल से लेके आज तक यही जो है जो संगठन है, समायोजन है, और जो मटेरियल है ये आज भी देखने को मिलते हैं। दूसरा है गुणसूत्र की रचना। गुणसूत्र की रचना। तो गुणसूत्र की रचना क्या है? मतलब हर जो जीव है वो उसका जो निर्माण हुआ है वो गुणसूत्र के आधार पे हुआ है, गुणसूत्र की जो संख्या के आधार पे हुआ है। तो सभी जीवों में गुणसूत्र होते हैं। तो सभी जीवों में क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र संभवतः जो है सम की संख्या में पाए जाते हैं। जो भी जंतु होते हैं वो सम की संख्या में पाए जाते हैं। तो एक ये भी प्रमाण देखने को मिलता है जैव विकास के प्रमाण के रूप में। अगला है एंजाइम की समानता। एंजाइम की समानता। अब निम्न जंतु से लेके उच्च जंतु तक विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, जिनका जो संबंध उनके विशेषकर पाचन क्रियाओं से और जो है रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है, वो निम्न से उच्च जंतु के शरीर में पाए जाते हैं, पाचन की अभिक्रिया में पाए जाते हैं, है ना। तो अब ये क्या देखने को मिलता है कि ये तो निम्न जंतु से और उच्च जंतु का आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनमें लगातार वही जो क्रम है वो परिवर्तित होते होते आया है। तो ये भी ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये जैव विकास के प्रमाण के रूप में यहाँ पे होते हैं। फिर ये जो है
उसी क्रम में हार्मोन्स, हार्मोन्स की बात करेंगे। अब जो उच्च प्रकार के जीव जंतु होते हैं उनमें देखें जो है हर जगह पे हार्मोन्स की प्रबलता या हार्मोन्स का समन्वय देखने को मिलता है। बिना हार्मोन्स के समन्वय के जो है कोई भी जो 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 खासकर जो उच्च जंतु होते हैं वहाँ पे हार्मोन्स जो है पाए जाते हैं और उन्हीं से पूरे रासायनिक अभिक्रियाओं या क्रियाओं या शरीर का जो संचालन होता है वो निकलते हैं। तो खासकर किसमें जो मैंने कहा कशेरुक जो जंतु होते हैं, उच्च जंतु बार बार बात कर रहा हूँ मैं, उच्च जंतुओं में तो वो कशेरुक जंतु होते हैं, कशेरुक या जिसको कार्डेट बोलते हैं अंग्रेजी में, कार्डेट जो एनिमल्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये हार्मोन्स सब में देखने को मिलता है, तो ये भी एक प्रमाण के रूप में वहाँ पे। अगला है रुधिर की संरचना, रुधिर की संरचना। अब रुधिर की संरचना आप देखें तो रुधिर तो हर प्रकार के जो ये कार्डेट कशेरुकीय जो जंतु होते हैं उसमें रुधिर पाए जाते हैं, उसका जो रंग होता है वो लाल होता है, तो रुधिर जो है सब में पाए जाते हैं। तो ये एक इंडिकेशन ये और भी कर रहा है कि वो जो मछलियां हैं, जो उभयचर हैं, फिर सरीसृप हैं, पक्षियां हैं, फिर जो मनुष्य हैं, वो लगातार इसी क्रम में जो रुधिर होता है उसको उसको समानता के रूप में वहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो उसमें हृदय होता है, हृदय भी देखने को मिलता है सभी कशेरुक जंतुओं में, तो ये भी समानता के रूप में दिखाई पड़ रहा है हृदय है। और हृदय में जो कोष्ठक होते हैं वो लगातार कोष्ठक जो होते हैं वो लगातार वातावरण के प्रभाव में से होने के कारण दो कोष्ठक फिर तीन कोष्ठक और फिर लास्ट में चार कोष्ठक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग्स होता है या मनुष्य होता है उसमें चार कोष्ठक होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं वो इसमें दो कोष्ठक होते हैं, और जो सरीसृप होते हैं और है ना उसमें जो है तो पक्षियों और मनुष्यों में चार कोष्ठक, सरीसृप और जो है जरों में तीन कोष्ठक और ये मछलियों में दो कोष्ठक पाए जाते हैं। तो ये हृदय की जो संरचना भी ये दिखा रही है कि लगातार परिवर्तन से जो इसमें भी कोष्ठकों में अलिंद और निलय पाए जाते हैं, अलिंद और निलय। तो निलय और अलिंद जो होते हैं अब इसमें दो या तो एक या एक या दो एक या फिर दो और दो, तो ये आपको दिखा दिया मैंने, एक का मतलब दो कोष्ठक, दो और एक तीन का मतलब तीन कोष्ठक और दो और दो का मतलब चार कोष्ठक के रूप में वहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। तो ये था जैव रासायनिक प्रमाण, जो कि बायोकेमिकल अंग्रेजी में बोला जाता है, प्रूफ दिया गया है। ये सारे जैव रासायनिक प्रमाण के आधार पर ये प्रूफ करते हैं कि जैव विकास की प्रक्रिया हुई है। अब आगे चलते हैं एक नए के जो है जो रुधिर हो गया, यहाँ पर आठवां था ये रुधिर आठवां था। अब अगले चलते हैं हम कारकी से प्रमाण, कारकी से प्रमाण, कारकी से प्रमाण। अब आप देखें निम्न जंतुओं से लेके उच्च जंतुओं तक कारकी की प्रक्रियाएं होती हैं कि विशेष प्रकार के जो अंग होते हैं उनसे जो है पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण, समन्वय
समन्वय और नियंत्रण की प्रक्रिया निम्न से लेके उच्च वर्ग के जितने भी जंतु हैं वो आदि हम लिखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे कार्यकी से प्रदर्शित होती हैं, वो लगातार इसी क्रम में इसी मोमेंट में चलती रहती हैं। तो क्या हुआ, पाचन भी, जिसको आप डाइजेशन बोलते हैं, पाचन की प्रक्रिया निम्न जंतु में भी होती है, वो चाहे जो है अंतः हो या बाहर की तरफ हो, मतलब जो है एक्स्ट्रा सेलुलर हो या फिर इंट्रा सेलुलर हो। फिर उसी प्रकार से उत्सर्जन की प्रक्रिया में विक के द्वारा, अब किडनी के द्वारा होती है। उसी प्रकार से अब सभी में परिसंचरण तंत्र की, मतलब हर्ड से जो रुधिर का जो स्थानांतरण होता है पूरे बॉडी में और फिर से वो लेके आती है, तो उस प्रकार से परिसंचरण तंत्र भी इसमें देखने को मिलता है। अब नर्वस सिस्टम के माध्यम से, मतलब जो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से समन्वय की प्रक्रिया, हार्मोन से समन्वय की प्रक्रिया और नियंत्रण की प्रक्रिया, इसी क्रम में सब में संवेदी अंग पाए जाते हैं जो कि जो किसी प्रकार का जो उत्तेजना हमें प्राप्त होती है किसी भी रूप में, वो भी वो सभी जीव जंतुओं में, सभी जो निम्न प्रकार के हों चाहे उच्च प्रकार के हों, उन सभी में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि जैव विकास के प्रमाण के रूप में निम्न से लेके उच्च तक जंतुओं में दिखाई पड़ती हैं। तो इस प्रकार से ये एक आधार ये भी रहा। अगला चलते हैं, दसवां, आनुवंशिकी प्रमाण। क्या है आनुवंशिकीय प्रमाण? अब आनुवंशिकी प्रमाण क्या है भाई? अब सभी जीवधारी अपने जैसे जंतुओं को उत्पन्न करते हैं और सारे जो सूचनाएं होती हैं वो डीएनए के माध्यम से, या जिसको हम आनुवंशिक जो हमारा मटेरियल होता है, जो हमारा डीएनए होता है, उसके माध्यम से अपने जो संतान होती है अगली पीढ़ी में, उसको क्या कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। तो वो चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, ग्लुइना हो, हाइड्रा हो, स्पंजेज हो, या किसी भी प्रकार का जो जो एनिमल्स होगी, या यूं कहें प्लांट जो पौधा भी होगा, वो क्या होगा, उसकी जो जीन होगी, वो जो पूर्व की जीन होगी, जो उनके पूर्वज की जीन होगी, वो अगली पीढ़ी तक जो है आनुवंशिकी, मतलब इनहेरिटेंस की प्रक्रिया में आनुवंशिकी प्रमाण के रूप में एक दूसरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लगातार जो है जाती रहती है, चलती रहती है। और हम कहते हैं, जैसे कि हम ये कहें कि जो है जीवों में, मैंने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन होते हैं, जो सारे सूचनाएं होती है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जनन के द्वारा ये जो पीढ़ी जनन के द्वारा ये प्रक्रिया होती है और उनके माध्यम से गुणसूत्र की जो संख्या होती है लगभग सम होती है और लगातार इसी क्रम में, इसी परिप्रेक्ष्य में वो चलती रहती हैं। तो ये भी जो लक्षण है, जो प्रमाण है, वो जैव विकास को परिभाषित कर रहा है कि सब हर प्रकार के जो जंतु होते हैं उनमें जो गुणसूत्रों की जो संख्या है या गुणसूत्र हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं और अपने आप को प्रदर्शित करते रहते हैं। कुछ नए प्रमाण के साथ में जो हम देखते हैं, अगला है पारिस्थितिकीय प्रमाण। पारिस्थितिकीय प्रमाण का मतलब है विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले जो पक्षी जंतु होते हैं वो विकास परिस्थितीय विशेष के कारण होता है। तो अब आप देखें कि जो है यहाँ पर अगला क्या हुआ, पारिस्थितिकीय प्रमाण ये क्या है, हर जीव जंतु अपने एक वास स्थान या भौगोलिक परिक्षेत्र में रहता है।
और उसी के हिसाब से इन वातावरण के हिसाब से या अनुसार अपनी अपनी अनुकूलता को प्राप्त करने का प्रयास करता है और प्रयास करके संघर्ष करते हुए अपने आप को जीवित रखता है और वहाँ पे व्यवस्थित रहता है। उसी क्रम में जो जंतु हों, वनस्पतियाँ हों या फिर जो अलग अलग प्रकार के जो जंतु होते हैं वो वहाँ पे पारिस्थितिकीय मतलब उस पर जहाँ पे जो पारितंत्र है या फिर जो हमारा वातावरण है उसी के परिप्रेक्ष्य में वो प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हैं। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं क्या है कि जब ठीक है अगला हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, संयोजी कड़ियों से प्रमाण। संयोजी कड़ियों से प्रमाण को देखेंगे हम और जानेंगे। तो अगला देखते हैं संयोजी कड़ियों से प्रमाण। अब हम जो है अगले प्रमाण की तरफ चलते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही सामान्यतः हम इसका प्रमाण अपने बातचीत के जरिए प्राप्त भी कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे संयोजी कड़ियों से प्रमाण बोला गया है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कनेक्टिव लिंक। ये एक प्रकार का लिंक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे ये सारे जो लिंक्स होंगे मतलब जो जीव होते हैं और जीवों के बीच में ये एक योजक कड़ी होती है, मतलब वो कुछ लक्षण जो है पहले वाले का, कुछ लक्षण उसके बाद वाले का, जो वर्ग होगा उसके दोनों लक्षण को रखते हैं जिसके आधार पे उनको योजक जो है कड़ी बोला जाता है, योजक बोला जाता है, योजक बोला जाता है। तो दो मतलब जीवों के बीच में वर्गीकरण में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अलग अलग वर्गों या जातियों के लक्षण को रखते हैं, वो जो है योजक कड़ी कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, योजक कड़ी कहते हैं, योजक कड़ी कहा जाता है। अब देखिए हमने दो यहाँ पे चीज़ों को बनाया है, एक तरफ मैंने जीव लिखा है, दूसरी तरफ योजक कड़ी लिखा है। अब जबकि अलग अलग जो जीवधारी होंगे, अलग अलग जो जंतु होंगे वो मैंने कहा कि दो विशेष प्रकार के वर्गों के लक्षण को या दो विशेष प्रकार के जातियों के लक्षण को अपने आप में रखते हैं और जो कि ये प्रदर्शित करते हैं कि ये जो वर्ग है या जाति है इनसे ही अगले जो जाति हैं या वर्ग हैं उनका निर्माण या उनकी उत्पत्ति हुई है। तो इस संदर्भ में हम कुछ तथ्यों को, कुछ जीव और योजक कड़ियों को दिखाते हैं जो कि सामान्यतः कुछ योजक कड़ियों को आप सामान्य परिचर्चा में जानते भी हैं लेकिन हम आपको बताते हैं। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हमने छह लिखे हैं और छह के माध्यम से दिखाएंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, विषाणु। देखिए हम एरो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विषाणु जो कि जीव है और ये जो योजक कड़ी किसके बीच में, सजीव तथा निर्जीव के बीच में, आप समझते जाइए, सजीव लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। मैंने अभी आप जानते हैं कि जो विषाणु होता है जब किसी जीवधारी के टिश्यू या शरीर पे पहुंचता है तभी ये जो है द्विगुणन की प्रक्रिया कर सकता है, नहीं तो ये जब पर्यावरण में क्रिस्टल के फॉर्म में मतलब जो है निर्जीव अवस्था में भी पाया जाता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, कहाँ पे, निर्जीव जब होता है। और जब सजीव के रूप में तब दिखाई पड़ता है जबकि ये किसी जीवधारी के कोशा में पहुंच जाते हैं, जीवधारी के कोशा में, जैसे कोशा में पहुंचने के बाद जो है ये सजीव की तरह द्विगुणन की प्रक्रिया करने लगते हैं, द्विगुणन की प्रक्रिया करने लगते हैं। तो पहला लिंक आपने देखा कि ये निर्जीव और सजीव दोनों के बीच में योजक कड़ी का रूप निर्भर दिखाते हैं। दूसरा चलते हैं युगलीना। अब युगलीना को पादप तथा जंतु मतलब पौधे तथा जंतु प्राणियों के बीच की कड़ी माना जाता है क्योंकि ये दो प्रकार से पोषण की प्रक्रिया करता है, ये या ये मृतोपजीवी और स्वपोषी और
मृतोपजीवी दो प्रकार से प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, क्योंकि स्वपोषी तब होगा जबकि इसमें पौधों की तरह या फिर जो है बैक्टीरिया की तरह कुछ इस प्रकार के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि डायरेक्ट सन की प्रकाश की उपस्थिति में इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। और जबकि जंतु की प्रक्रिया तब देखने को मिलती है कि जब ये इनके प्रकाश उपस्थित नहीं होता और मृतोपजीवी मतलब मृत पदार्थों से सड़े गड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इनको पादप और जंतु दोनों की कैटेगरी में रखा जाता है, या कह सकते हैं कनेक्टिक लिंक बोला जाता है कि ये पादप भी हो सकते हैं और जंतु की भी। अगला है जो बड़ा फेमस है, आप जानते भी हैं, आर्कियोपटेरिक्स। हम आपको बता दें ये जो छह मैंने जीव को लिखा है इसमें आर्कियोपटेरिक को सब को छोड़ के जो पांच हैं वो जीवित जीवांश कहे जाते हैं। जीवित जीवांश हैं मतलब ये जो है आज भी उपस्थित है, जबकि जो आर्कियोपटेरिक्स है ये खत्म हो चुका है। तो आर्कियोपटेरिक्स जो है एक पक्षी के रूप में पाया जाता है, जबकि ये सरीसृप और पक्षी दोनों के लक्षणों को, उनके व्यवहारों को, उनके क्रियाओं को प्रदर्शित करता था। तो इसलिए इनको सरीसृप एवं पक्षी दोनों के वर्ग में रखा गया, इसलिए। तो आर्कियोपटेरिक्स खत्म हो चुका है। अगला चलते हैं चौथा, पेरिपेटस। जो पेरिपेटस को एनिलिडा और आर्थोपोडा के लक्षण के आधार पे इनको योजक कड़ी बोला गया है। पेरिपेटस एक जो जंतु है जो कि एनेलिडा और आर्थोपोडा के दोनों के लक्षणों के साथ में वहाँ पे पाया जाता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। अगला चलते हैं डकबिल प्लैटिपस। ये डकबिल प्लैटिपस है, तो डकबिल प्लैटिपस जो होता है वो पक्षी और स्तनधारी मतलब मैमेलिया और बर्ड्स एवीज, पक्षी तथा स्तनधारी के लक्षणों को रखता हुआ अपने आप को योजक कड़ी के रूप में व्यवस्थित किए हुए है। डकबिल प्लैटिपस मतलब पक्षी होता है जो कि स्तनधारी के भी करैक्टर को कुछ रखता है। अगला फुसफुस मछली। ये जो मछली होती है, देखिए यहाँ पे पिसीज लिखा है तथा एम्फीबिया लिखा है, मतलब पिसीज का मतलब जो मछली होती है, मछली का जो वर्ग होता है वो मछली, और एम्फीबिया का मतलब ये होता है उभयचर, उभयचर की जो कैटेगरी होती है, लक्षण होते हैं वो। तो मछली और उभयचर दोनों के बीच में ये जो फुसफुस मछली होती है वो उस कैरेक्टर को रखती है। पिसीज मतलब पिसियन इन नेचर, मतलब जहाँ पे जो इनकी जो कह सकते हैं कि इनकी जो फिंस स्केल्स पाई जाती हैं, फिंस पाई जाती हैं, उसके आधार पे बोला गया है। तो मछली और उभयचर पिसीज तथा एम्फीबियंस के बीच में जो ये फुसफुस मछली है वो सारे लक्षण को रखती है, और उस लक्षणों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो है कनेक्टिंग लिंक दिखाती है और जैव विकास के प्रमाण को प्रदर्शित करती है। तो कुछ अभी भी जो जीवित जो क्या कहते हैं कि जंतु और वनस्पतियां हैं उनके बीच में, जंतु खासकर जीव यहाँ पे लिखा गया है, वो ये सारे कनेक्टिंग लिंक दिखाते हैं। तो मैंने एक से लेकर 12 तक 12 जो है दो वीडियोस में, पिछला वीडियो और इस वीडियो में हमने 12 प्रमाणों को और बहुत अच्छे प्रमाणों को देखा, जिसमें जो है समानताओं के रूप में समवृत्ति और समजात अंगों को देखा जो है। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से जो है ये जो जंतु और वनस्पतियां होती हैं, अंगों की समानता का प्रमाण, जीवाश्म के रूप में प्रमाण देखा, भौगोलिकता का प्रमाण, वर्गीकरण का प्रमाण, भ्रूण प्रमाण, जीवद्रव्य की जैव रासायनिक प्रमाण, रुधिर की समानता, और जो है कारकी से प्रमाण, आनुवंशिकी प्रमाण, परिस्थितिकी प्रमाण, और अंत में संयोजी कड़ियों से प्रमाण जो है हमने देखा। तो अलग अलग प्रमाण के आधार पे भी प्रधार पे ये कहा जा सकता है कि जो जैव विकास की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से क्रमिक और
टाइम की टेकिंग है, मतलब समय उसमें लगा है, हजारों करोड़ों वर्ष जो है समय लग के वो परिस्थितियों के आधार पे वातावरण के अनुसार जीव और जंतु दोनों जो है अपने आप को समायोजित करते हुए अपनी संरचना, अपने कार्यों, अपने व्यवहारों, अपने लक्षणों, अपने वर्गों, अपने जो है प्रदर्शन को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि वो प्रारंभिक बिंदु से लेके जहाँ से शुरुआत हुई और आज तक की प्रक्रियाओं में वो लगातार क्रमिक परिवर्तन या बदलते बदलते उच्च वर्ग या जटिलतम वर्ग में पहुंच गए हैं, जहाँ पे इनकी कार्य की, इनकी संरचना, इनके जो वर्णन है वो बहुत ही जटिल हो गए हैं, क्योंकि इनका जो निर्माण था वो एक कोशिकी से बहुकोशिकी रूप में और कार्य के आधार पे जो कोशिकाएं होती हैं वो कार्य के आधार पे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स या अंग का निर्माण कर ली, जिससे अलग अलग जो है कार्य होता है और उस कार्य के आधार पे उस जो जंतु है, जीव है, वनस्पतियां हैं उनको हम विभाजित करते हैं। तो जैव विकास जो कि कहा गया कि कालांतर में निम्न संरचना वाले जीव से उच्च या जटिलतम संरचना वाले जीव में क्रमिक परिवर्तन होता है तो उसको जैव विकास कहते हैं। तो एकदम बिल्कुल सत्य और एकदम ठीक है और विश्वसनीय है, क्योंकि साइंस का जो प्रमाण होता है वो एकदम ऑथेंटिक या सत्य माना जाता है। तो हमने आपको इस तरीके से 12 प्रमाण आपको दिए और इन 12 प्रमाणों में ये स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जो जीव जंतुओं का जो विकास है वो सरलतम से जटिलतम की ओर लगातार समय को लेते हुए क्रमिक परिवर्तन के रूप में चलता रहा और आज वो पूरे तरीके से अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग हो चुके हैं, विभिन्नताओं को रखते हुए अनुकूलन होते हुए नए नए प्रजातियों का जो है उसमें निर्माण होते हुए आज अलग अलग जातियों के, भिन्न भिन्न जातियों के परिवर्तन के आधार पे जातियां बन चुकी हैं, उत्पन्न हो चुकी हैं, उत्पत्ति हो चुकी है, जिससे विभिन्न प्रकार की जातियां या वैरायटी के रूप में वनस्पतियों का, जंतुओं का या फिर जो सूक्ष्म जीवों का विकास हो चुका है। और ये जैव विकास जैसी बहुत बहुत लंबी प्रक्रिया के मदद से ही हुआ है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जीवधारी इसी के आधार पे ही उनके लक्षण प्रदर्शित हुए और उन लक्षणों के आधार पे ही इनको अलग अलग जो कक्षाएं थी, गण थे, क्लास था, फाइलम था, वर्ग था, उन सब में डिवीजन था, उन सब में इनको डिवाइड किया गया, अलग किया गया और जो है रखा गया। तो हम समझते हैं कि जो डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस है, जिसके अंतर्गत जैव विकास और जैव विकास के जो प्रमाण थे, जो उनके सिद्धांत थे, उसको आपने बेहतर तरीके से समझा होगा और उसको अनुपालन में लाया होगा और उसके आधार पे आप वो उन चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो इसी आशा के साथ में कि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, अनुपयोग में लाएंगे, अपने मस्तिष्क में धारण करेंगे और जहाँ पे समस्या होगी, जहाँ पे आपको कोई डाउट होगा, वहाँ पे आप हमसे कंसल्ट करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है। हम अगले कुछ नए टॉपिक के साथ में फिर से अगले चैप्टरों में उपस्थित होंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो विज्ञान से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कब होती हैं, किसके आधार पे होती हैं और क्यों होती हैं। तो साइंस विज्ञान को पढ़ना है तो व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा, मतलब बिग क्वेश्चन मार्क को जानना पड़ेगा, तो आपको साइंस खुद ब खुद और आपको आ जाएगा। तो इसी के साथ में धन्यवाद।